सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 13वां वेक्टर, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 13.3। 13.3 के हमने 5 क्वेश्चन कर लिए, आज करते हैं इसके आगे के क्वेश्चन। तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या है कि आपको दे रखा है कि ए क्रॉस बी का मापांक, आगे बात समझ, यानी कि ए क्रॉस बी का मापांक का मान ज्ञात कीजिए, यानी ए क्रॉस बी का आपको परिमाण ज्ञात करना है। दे क्या रखा है, यदि सदिश ए का परिमाण दे रखा है आपको कितना 10, और सदिश बी का परिमाण आपको दे रखा है 2, और क्या दे रखा है ए और बी का डॉट प्रोडक्ट आपको दे रखा कितना 12। आगे बात समझ में, तो आपको ज्ञात क्या करना है, ए क्रॉस बी का परिमाण आपको ज्ञात करना है, क्लियर है। तो देखिए, तो सबसे पहले मान लेते हैं ए और बी के बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। माना सदिश ए तथा बी के मध्य कौन थीटा है, आगे बात में तो देखना, अतः ए डॉट बी, अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है तो ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा, आगे बात में। अब आपको ए और बी का डॉट प्रोडक्ट तो दे रखा है, कितना दे रखा है 12 दे रखा है, यानी यहाँ पे रख दीजिए 12। ए का परिमाण भी आपको दे रखा कितना 10, इंटू बी का परिमाण भी दे रखा आपको 2 इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 बराबर 10 इंटू 2 20 कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा क्या आ जाएगा 12/20। आगे बात समझ, तो यहाँ से कॉस थीटा क्या आ जाएगा, देखिए किसे 4 से कट रहा है, 4 3 12 और 5 20, तो कॉस थीटा का मान यहाँ पे आ गया आपके पास में 3/5। ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ से अब हम कॉस थीटा के मान की सहायता से हम साइन थीटा का मान निकालेंगे, तभी तो, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, और ए क्रॉस बी का जो परिमाण होगा वो क्या होगा ए बी साइन थीटा, तो यहाँ पे ए का परिमाण दे रखा है, बी का परिमाण तो आपको दे रखा है, लेकिन साइन थीटा का मान चाहिएगा ना, तो वो हम यहाँ से इस कंडीशन से निकालेंगे। अगली बात समझे, तो अतः साइन थीटा क्या हो जाएगा, देख लीजिए साइन थीटा का मान क्या आ जाएगा √1 cos²θ, ये होता है साइन थीटा का मान। तो यहाँ से साइन थीटा का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा √1 cos²θ, यानी 3/5 का स्क्वायर। साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा √1 - 9/25, तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा लेसा पे लेंगे तो 25 - 9 = 16/25, तो कितना आ जाएगा साइन थीटा का मान 4/5। आगे बात में, अब देखिए साइन थीटा का मान वास्तव में क्या आएगा +-4/5। हम पॉजिटिव ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ए क्रॉस बी का परिमाण निकालना है, तो किसी भी सदिश का जो परिमाण होता है वो हमेशा क्या आता है पॉजिटिव आता है, क्या आता है पॉजिटिव, तो हमें साइन थीटा का भी मान क्या लेना है पॉजिटिव लेना है। अब देखिए नाउ ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, एन कैप क्या है ए और बी के तल के लंबवत इकाई सदिश। आगे बात में, तो ए क्रॉस बी का जो परिमाण होगा वो क्या होगा ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू साइन थीटा, आगे बात में, और एन कैप का परिमाण ये तो क्या इकाई सदिश है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे बात में, देयर इंप्लाइज अतः ए क्रॉस बी का जो परिमाण होगा वो क्या होगा, आप देखिए वैल्यू रख दीजिए आपके पास में ए का परिमाण देर का कितना देर का 10 इंटू बी का परिमाण आपको देर कितना 2 इंटू साइन थीटा का मान हमने यहाँ पे निकाल दिया कितना आया 4/5, तो ये बराबर कितना आ जाएगा 5 इंटू 2 हो गया,
दो दून चार, चार चौक 16। तो ए क्रॉस बी का जो परिमाण आएगा कितना आ जाएगा 16। आगे बात समझ में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या है। सदिशों फोर आई कैफ माइनस जे कैफ प्लस 3 के कैफ तथा माइनस 2 आई कैफ प्लस जे कैफ माइनस 2 के कैफ के लंबवत, के लंबवत 9 इकाई परिमाण वाला सदिश ज्ञात कीजिए। ये दो सदिश दे रखे हैं आपको, दो सदिशों, इन दोनों के लंबवत 9 इकाई परिमाण वाला सदिश। मान लीजिए आपके पास में कोई दो सदिश है ए और बी, तो दोनों के तल के लंबवत जो इकाई सदिश होगा वो क्या होगा, एन कैप, वो किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी बटा ए क्रॉस बी का परिमाण। आगे बात समझ। क्यों? क्योंकि आपको पता है ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। आगे बात समझ। तो यहाँ से ए क्रॉस बी का जो परिमाण होगा वो क्या होगा, ए बी साइन थीटा। तो देखिए यहाँ से एन कैप क्या आएगा, एन कैप बराबर क्या आएगा, ए क्रॉस बी बट्टा ए बी साइन थीटा। तो एन कैप ए बी साइन थीटा क्या है, ए क्रॉस बी का परिमाण है, तो ए क्रॉस बी बट्टा ए क्रॉस बी का परिमाण। आगे बात, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ही सदिशों के लंबवत हम इकाई सदिश ज्ञात कर लेंगे। आगे बात में, फिर अभी ये पूछ रहा है 9 इकाई परिमाण वाला, तो कोई भी सदिश क्या होता है, परिमाण इंटू दिशा। आगे बात, परिमाण इंटू मात्रक सदिश उसे दिशा में। आगे बात में, तो इकाई सदिश हम ज्ञात कर लेंगे एन कैफ, फिर कह रहा है कि इसके लंबवत 9 इकाई परिमाण वाला, तो इकाई सदिश को 9 से गुणा कर देंगे तो ये आपके पास में सदिश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 इकाई परिमाण वाला सदिश इन दोनों के लंबवत। तो आंसर करेंगे इसका, तो मान के चलते हैं, माना a बराबर, इसको a मान लेते हैं, 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप तथा दूसरे वाले सदिश इसको मान लेते हैं b, माइनस 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। आगे बात में, अतः a तथा b के तल के लंबवत इकाई सदिश एन कैप किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी बट्टा ए क्रॉस बी का परिमाण। आगे बात में, तो अब हमें ए क्रॉस बी ज्ञात करना है और ए क्रॉस बी का परिमाण भी ज्ञात करना है। नाउ ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस बी, अब देखिए कौन से नियम से हम ज्ञात कर लें इसको, सारणिक रूप से। तो ए क्रॉस बी बराबर क्या आ जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप। अभी बात सुन, यहाँ पे किसके सदिश ए के अदिश घटक कौन कौन से हैं, 4, -1 और 3, और इस लाइन में सदिश बी के अदिश घटक -2, -2। तो यहाँ से देख लीजिए ए क्रॉस बी बराबर क्या आएगा, चलिए तो -2 × -1 क्या आ गया, 2 2 -2 -3 -1 यानी कि क्या आ जाएगा, माइनस का आई कैफ। आगे बात समझ में, अब देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा, हाँ तो इसको और इसको छोड़ दीजिए, तो -8
प्लस का 6, तो माइनस का 8 प्लस का 6 माइनस का 2, तो माइनस का 2 इंटू जे कैफ। आगे बात समझ, और प्लस इसको और इसको छोड़ दीजिए, 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 2 और गुणा में क्या आएगा, के कैफ। तो यहाँ से आपके पास में जो ए क्रॉस बी आया है वो क्या आया है, माइनस का आई कैप, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। आगे बात समझ, ये तो आ गया आपके पास में ए क्रॉस बी। आगे क्योंकि ए भी सदिश है बी भी सदिश है, तो इन दोनों सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वापस एक सदिश ही प्राप्त होता है। तो देख लीजिए, ये एक नया सदिश आ गया ए क्रॉस बी। ये जो ए क्रॉस बी है वो ए और बी दोनों के तल के लंबवत क्या है, सदिश है। आगे बात, दोनों के तल के लंबवत सदिश है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ए क्रॉस बी का परिमाण। अतः ए क्रॉस बी का परिमाण, तो घटक के रूप में सदिश दे रखा है, तो इसका परिमाण क्या होगा, रूट ऑफ इसके अदिश घटकों के वर्गों का योग। आगे बात में, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहां से इसका परिमाण क्या आ जाएगा, हाँ माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 1 9, क्या आ गया 9, रूट ऑफ 9, तो क्या आ जाएगा 3। आगे बात में, तो यहां से जो ए क्रॉस बी का परिमाण आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। आगे बात समझ, अब देखिए, अतः एन कैप बराबर ए क्रॉस बी बटा ए क्रॉस बी का परिमाण, तो यहां से एन कैप जो कि क्या होगा, ए और बी के तल के लंबवत इकाई सदिश होगा। आगे बात समझ, तो वो क्या होगा, देखिए ए क्रॉस बी क्या दे रखा है, माइनस का आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 2 के कैप बटा ए क्रॉस बी का परिमाण क्या है, 3। ये आ गया आपके पास में ए और बी के तल के लंबवत इकाई सदिश आ गया। आगे बात समझ में, अब देखिए, अब क्या कह रहा है, इसके तल के लंबवत 9 इकाई परिमाण वाला, अब तल के लंबवत होगा तो उसका भी जो सदिश है उसका भी उसकी दिशा में भी इकाई सदिश क्या होगा, यही होगा जो ए और बी के तल के लंबवत है। तो ये आपके पास में इकाई सदिश पड़ा, अब 9 इकाई परिमाण वाला सदिश। अतः ए तथा बी के तल के लंबवत 9 इकाई परिमाण वाला सदिश क्या हो जाएगा, बराबर 9 इंटू एन कैप। आगे बात सुन, 9 एन कैप यानी कि क्या हो जाएगा, 9 इंटू एन कैप क्या है, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप बट्टा 3। तो यहाँ से ये बराबर क्या आ जाएगा, 3 से ये कैंसिल होगा 3, तो 3 इंटू माइनस आई कैफ प्लस 2 जे कैफ प्लस 2 के कैफ, अंदर वापस गुणा करवा लीजिए क्या आ जाएगा, माइनस 3 आई कैफ प्लस 6 जे कैफ प्लस 6 के कैफ। ये जो सदिश आपके पास में आया है, ये सदिश कौन सा है, इन दोनों सदिशों के तल के लंबवत 9 इकाई परिमाण वाला सदिश है। आगे बात समझ, क्लियर है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देख लीजिए, प्रदर्शित कीजिए कि सदिश a माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं, सदिश a प्लस बी ये बराबर होता है 2 इंटू ए क्रॉस बी, इसकी ज्यामितीय व्याख्या, ज्यामितीय व्याख्या भी आपको करनी है। आगे बात में, तो सबसे पहले तो हम ये सिद्ध कर लेते हैं, ये सिद्ध करने के बाद में फिर इसके ज्यामितीय व्याख्या करते हैं। तो आंसर देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है आपकी, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी। आगे बात सुन, तो बराबर, अब देखिए यहाँ पे वितरण नियम लग जाएगा, तो इसका इससे क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि a क्रॉस
ए और फिर इसका इससे प्लस ए क्रॉस बी। आगे बात समझ में। अब इसका इससे करवाएंगे तो माइनस, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए कोष्टक में, ठीक है। तो इसका इससे करवाएंगे तो क्या आएगा, माइनस बी क्रॉस ए, और इसका इससे करवाएंगे तो क्या आएगा, माइनस बी क्रॉस बी। आगे बात सुन। अब आपको पता है ए क्रॉस ए क्या होता है, शून्य सदिश, प्लस ये क्या हो गया ए क्रॉस बी। अब ध्यान से देखना, आपको पता माइनस बी क्रॉस ए किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी के, क्योंकि जो ए क्रॉस बी होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। तो माइनस बी क्रॉस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी, यानी कि प्लस ए क्रॉस बी, और माइनस ये क्या हो जाएगा बी क्रॉस बी, शून्य सदिश। आगे ना बात समझ में। तो यहाँ पे आप कोष्ठक में लिख दीजिए, चूंकि ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए। आगे बात समझ में। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, तो ये क्या हो गया, टू ए क्रॉस बी। आगे बात समझ में। ये बराबर आपकी क्या आ गई, राइट हैंड साइड, क्लियर है। अब देखिए इसकी ज्यामितीय व्याख्या हम कैसे करेंगे, तो देखिए ज्यामितीय व्याख्या, केवल ज्यामिति से बताइए कि वास्तव में ये सब क्या है। आगे बात समझ। तो माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। आगे बात समझ। आप यहां पे ए बी सी डी ले लीजिए समांतर चतुर्भुज, ए बी सी डी। आगे बात समझ। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, और यहां पे हम मान लेते हैं, माना ए बी बराबर सदिश ए तथा ए डी बराबर सदिश बी, यानी इस समांतर चतुर्भुज की जो भुजा ए बी, ए बी और ए डी, ए बी को हमने मान लिया सदिश ए और ए डी को हमने मान लिया सदिश बी। आगे बात समझ। यानी कि ये जो बिंदु ए है इसको हम मान लेते हैं ए और बी का मतलब प्रारंभिक बिंदु, यानी कि बिंदु ए सदिशों ए तथा बी का प्रारंभिक बिंदु है। कहने का मतलब यह है कि ए को आप प्रारंभिक बिंदु मान लीजिए, और ए बी किस सदिश से निरूपित है, ए से, और ए डी किस सदिश से निरूपित है, बी से निरूपित है। क्लियर है, बस इतना। अब देखिए अब सबसे पहले देखिए त्रिभुज ए बी सी में, कौन से त्रिभुज ए बी सी में, देखना त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए ए बी किससे निरूपित है, सदिश ए से, यानी ये किससे निरूपित हो गया, सदिश ए से। ए डी किससे निरूपित है, सदिश बी से। आगे बात में अब ध्यान से देखना, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ए डी और बी सी आपस में क्या होंगे, बराबर है और समांतर है, तो ये जो बी सी है वो किससे निरूपित होगा, सदिश बी से। आगे बात, और ये जो डी सी है वो किससे निरूपित होगा, सदिश ए से। अब हम ले रहे हैं त्रिभुज कौन सा, ए बी सी। आगे बात सुन, और एक लेंगे हम ये त्रिभुज ए बी सी में, देखना त्रिभुज ए बी सी में ऐसे किसके बराबर होगा, देखिए क्योंकि त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं क्रमागत, देखिए ए बी और बी सी क्रमागत ए और बी से निरूपित है, तो तीसरी भुजा इन दोनों के योगफल को निरूपित करेगी विपरीत क्रम में, यानी ए से सी की तरफ। आगे बात समझ। तो मैं ए सी किसके बराबर होगा, ए बी प्लस बी सी। आगे बात समझ। अब चाहिए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी सदिश किसके बराबर, ए डी के बराबर, और ए डी क्या है, बी ए सदिश ए डी। तो यहां से ए सी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी, ए बी क्या है, सदिश ए से निरूपित है, प्लस ए डी जो कि सदिश बी से निरूपित है। आगे बात। तो यहां से ए सी बराबर आपके पास में आ गया ये।
क्लियर। अब आप लीजिए कौन सा त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में ध्यान से देखना, त्रिभुज ए बी डी में ये जो डी बी है, डी बी की दिशा किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, ये ऐसी दिशा इस तरफ होगी, डी बी की दिशा इस तरफ हो गई, तो यहां से देखिए ए डी प्लस डी बी ए की क्रम है, तो ये दोनों किसको निरूपित करेगी, दोनों का योगफल तीसरी भुजा ए बी विपरीत क्रम में यानी इस क्रम में, आगे बात तो ए डी प्लस डी बी बराबर क्या होगा ए बी, आगे बात सुन तो ए डी प्लस डी बी बराबर किसके होगा ए बी के, तो यहां से जो डी बी आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा ए बी माइनस ए डी, तो यहां से डी बी बराबर क्या आ जाएगा ए बी क्या है सदिश ए माइनस ए डी क्या है सदिश बी, आगे बात समझ में क्लियर है। अब देखिए ये दोनों चीजें आ गई, अब ध्यान से देखना आपको क्या दे रखा है वो चीज देखिए, क्योंकि हमने ज्ञात तो कर ही लिया हमने ये यहां पे कि a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी ये किसके बराबर है दो इंटू ए क्रॉस बी के, ये तो हमने सिद्ध कर लिया था। अब इसकी ज्यामिति व्याख्या कर रहे हैं, तो देखिए a माइनस बी क्या है db, यानी कि अतः db a माइनस बी क्या है db, db क्रॉस a प्लस बी क्या है ac बराबर दो इंटू ए क्या है ए, ये रहा आपका ए बी क्रॉस बी क्या है ए डी, तो ये रिजल्ट आपके पास में आया। इस रिजल्ट का मतलब क्या है ध्यान से देखना, आपको पता है कि दो सदिशों का जो हम क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं उसकी ज्यामिति व्याख्या हमने की थी कि ए क्रॉस बी की ज्यामिति व्याख्या हमने की थी कि ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, यानी एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं, यानी ए और बी को अगर आप एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं लेकर बनने वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है ए क्रॉस बी होता है, यानी आगे बात समझ, यानी हमने इसकी जब ज्यामिति व्याख्या की थी ना ए क्रॉस बी की कि ए और बी को समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं लेकर, आगे बात समझ, ए और बी को समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं लेकर बनने वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही क्या होता है ए क्रॉस बी का परिमाण होता है, यही तो इसकी क्या की थी हमने ज्यामिति व्याख्या की थी। इसका मतलब अब देखिए, यानी कि डी बी क्रॉस ए सी ये क्या है डी बी और ए सी, डी बी और ए सी इन दोनों को आसन भुजाएं लेकर बनने वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और ये क्या है ए बी क्रॉस ए डी क्या है ए बी और ए डी को आसन भुजाएं लेकर बनने वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखना यहां पे, अब DB क्या है और AC क्या है, DB और AC समांतर चतुर्भुज ABCD के विकिरण है, आगे बात सुन, इसका मतलब क्या हो गया कि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकिरणों को आसन भुजाएं लेकर बनने वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है ABCD जो समांतर चतुर्भुज है उसके क्षेत्रफल का दो गुना होता है। इसका जो मतलब है वो ये है कि ए बी सी डी अगर कोई एक समांतर चतुर्भुज है तो इसके विकिरणों को आसन भुजाएं लेकर बनने वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल का क्या होता है दुगुना होता है। अतः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकिरणों को आसन भुजाएं लेकर बनने वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है किसके दो इंटू समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ये इसकी क्या है ज्यामितीय व्याख्या है, यानी कि कोई समांतर चतुर्भुज है तो उसके विकिरणों को आसन भुजाएं लेकर बनने वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा इस ABCD के क्षेत्रफल का दुगुना होगा। आगे बात अब देखिए यहां पे जैसे अब आपको कि सर विकिरणों का आसन भुजाएं कैसे लें,
आगे बात, तो ध्यान से देखिए, कोई भी दो सदिश हमेशा एक ही तल में होते हैं, कोई भी दो सदिश हमेशा एक ही तल में होते हैं, और उन सदिशों को आप समांतर आप इधर उधर उनको ले जा सकते हो। यानी कि ये यहां से, तो देखिए जैसे ये इस प्रकार आए विकिरण, आगे बात सुन, ये इस प्रकार विकिरण आए, क्लियर है। तो यहां से देखना आप इसको खिसका के ऊपर की तरफ ले जाओ, फिर इसको यहां पे लेके आ जाओ, तो ये यहां पे सेट हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये दो इस प्रकार आए विकिरण, तो मैं अगर एक सदिश यहां पे लूं ऐसे, आगे बात सुन, अब देखिए परिमाण में इसके बराबर और दिशा जो इसकी है वही लूं, तो क्या ये सदिश और ये सदिश बराबर नहीं होंगे? क्या बराबर होंगे? इसका मतलब आप इस सदिश को इधर उधर कहीं भी ले जा सकते हो, क्लियर है। तो ये विकिरण हो गया, ये विकिरण हो गया, तो इससे बनने वाला समांतर चतुर्भुज जो भी है उसका जो क्षेत्रफल होगा, जो आपके ए बी सी डी जो समांतर चतुर्भुज है इसके क्षेत्रफल का क्या होगा? दुगुना होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक समांतर चतुर्भुज के विकिरणों को आसन भुजाएं लेकर बनने वाले समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल का क्या होता है? दुगुना होता है। ये इसके क्या है? ज्यामितीय व्याख्या है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।